शाहपुरा शहर में मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा में विरोध प्रदर्शन कर पैदल मार्च किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष गोपाल मीना, शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल के नेतृत्व में शाहपुरा SDM मनमोहन मीना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयपुर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व जमारामगढ़ विधायक गोपाल मीना ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिसे रोकने में भाजपा की डबल इंजन सरकार की विफल है। एक ओर मोदी हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर मणिपुर की बात पर मौन है। मोदी हर माह राजस्थान का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन वे एक बार भी मणिपुर जाकर घटना की जानकारी नहीं ली, बल्कि उसके बारे में गलत बयान और दिया, जिससे लोगों में रोष है। आने वाले चुनावों में जनता जवाब देगी। शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में हर वर्ग के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर जनता फिर से प्रदेश में कांग्रेस चुनेगी। कांग्रेस सरकार गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, किसान व महिला, हर वर्ग के लिए उत्थान की योजनाएं चलाती है, जबकि भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। चोमू के पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, नीमकाथाना के पूर्व विधायक व PCC उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, कांग्रेस के जयपुर जिले के प्रभारी RC चौधरी ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पूरे देश की जनता को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का हवाला देते हुए बताया कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार के सामने मणिपुर जैसी महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शहर के डाक बंगला परिसर से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकाला। उन्होंने SDM कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता रुक्ष्मणी कुमारी, शाहपुरा पालिकाध्यक्ष बंशीधर सैनी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सारण, शाहपुरा पंचायत समिति प्रधान मंजू शर्मा, मनोहरपुर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश हरितवाल, सरपंच रामस्वरूप गोसलिया, प्रमोद अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।